Good afternoon, students. Jai Shri Shyam. Today we are going to start with the MCQs of annuity. Last class we discussed what is annuity, what are the types of annuity, and how to solve the future value and present value and the application of annuity sums. Today we will see problems relating to that. So let us check question number one. The present value of an annuity. सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन में ये समझना कि यहाँ पे ना एनविटी रेगुलर बोला है ना एनविटी ड्यू बोला है. सिर्फ क्या बोला है? एनविटी बोला है. इसका मतलब ये एनविटी रेगुलर का सम है. तो हमको कौन सा फॉर्म लगाना है? हमको लगाना है वी वी इज इक्वल्स टू ए वन माइनस वन प्लस पॉइंट जीरो फोर फाइव to the power minus 15 by 0.045 और यहाँ a आपको दिया हुआ है 3000. यहाँ a आपको दिया हुआ है 3000. यहाँ a आपको दिया हुआ है 3000. तो 1.045 डिवाइड 15 टाइम्स इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. आफ्टर प्रेसिंग 15 टाइम्स इक्वल्स टू प्रेस जी टी ट्वाइस इंटू 3000 इक्वल्स टू 3000 इक्वल्स टू दिस विल बी द आंसर. Once again, I am repeating 1 plus 0.045 divide equals to 15 times GT twice into 3000 equals to, it will come to 32,218.63. Exact answer will come down. Let us move on to question number 2. The amount of an annuity certain. यहाँ हम लोग underline करेंगे the word annuity certain. यहाँ हम लोग underline करेंगे the word annuity certain. The word annuity certain means regular का sum है. The word annuity certain means annuity regular का sum है. Amount मतलब future value निकालना है हम लोग को. तो future value का formula होता है A. A दिया हुआ है 150. A दिया हुआ है हम लोग को 150. 1 प्लस 0.035 टू द पावर 12 माइनस 1 बाय 0.035 1 प्लस 0.035 टू द पावर 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.035 तो 1 प्लस 0.035 इंटू तीन बार इक्वल्स टू इंटू दो बार इक्वल्स टू माइनस वन डिवाइडेड बाई 0.035 इंटू 150 इक्वल्स टू आपका आंसर आ जाएगा 21. ये आंसर आ रहा है आपका. इसको सॉल्व करने से आपका ये आंसर आएगा. ठीक है. अ लोन ऑफ रुपीज 10,000 इज टू बी पेड बैक इन 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स. द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट टू कवर द प्रिंसिपल एंड एट 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट. तो यहां मेरे को आई दिया हुआ है, आर दिया हुआ है और एन दिया हुआ है. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? एनविटी फैक्टर निकालेंगे. तो 1.04 डिवाइड 30 टाइम्स इक्वल्स टू आराम से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
25, 26, 27, 28, 29, 30. दो बार जीटी प्रेस करो. 17.2920 समथिंग आ रहा है. उसका रेसिप्रोकल मतलब डिवाइड इक्वल्स टू इनटू 10,000 इक्वल्स टू 578.30. 578.30. 578.30. तो हम लोग का अप्रोक्सीमेट आंसर होगा सी. अप्रोक्सीमेट आंसर होगा सी. अप्रोक्सीमेट आंसर होगा सी. क्वेश्चन नंबर थ्री में स्टेप लिखेंगे आप लोग. फर्स्ट फाइंड एनुइटी फैक्टर. क्वेश्चन नंबर थ्री के लिए स्टेप्स लिखेंगे आप लोग. फर्स्ट फाइंड एनुइटी फैक्टर, देन फाइंड इट्स रेसिप्रोकल, देन फाइंड इट्स रेसिप्रोकल एंड एट लास्ट मल्टीप्लाई इट विद द लोन अमाउंट, एंड एट लास्ट मल्टीप्लाई इट विद द लोन अमाउंट टू गेट द इंस्टॉलमेंट अमाउंट. टू गेट द इंस्टॉलमेंट अमाउंट मतलब एनुइटी फैक्टर डिवाइड इक्वल्स टू इनटू वी इक्वल्स टू इंस्टॉलमेंट. एनुइटी फैक्टर डिवाइड इक्वल्स टू इनटू वी इक्वल्स टू इंस्टॉलमेंट. वी मतलब हो गया प्रेजेंट वैल्यू. वी मतलब हो गया प्रेजेंट वैल्यू. क्वेश्चन नंबर फोर में हम लोग को ए का वैल्यू दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, वी निकालने बोला है. तो हम लोग क्या करेंगे, 1.08 डिवाइड 12 बार इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 दो बार जी टी इंटू 1200 इक्वल्स टू 9.29 आ रहा है. तो नन ऑफ दीज आंसर होगा. राइट आंसर लिख लो 9043.29. 9043.29. 9043.29. क्वेश्चन नंबर फाइव में ये कैपिटल ए होगा. ए दिया हुआ है 100, एन दिया हुआ है 10, आई दिया हुआ है 0.05%. और फॉर्मूला क्या पुट करना है, देखो यहाँ मिस्टेक है. ये ए बाई आई होगा, ये ए बाई आई होगा. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे आपका 100 ब्रैकेट में 1 + 0.05 to the power 10 -1/0.05. ये इक्वेशन है इस क्वेश्चन का. 1 + 0.05 to the power 10 - 1/0.05 और बाहर में 100. तो 1.05 इंटू 4 बार इक्वल्स टू इंटू 1 बार इक्वल्स टू -1/0.05 इंटू 100 इक्वल्स टू आपका आ रहा है 1257.78. तो अप्रॉक्सीमेटली 1258 इज द आंसर. थोड़ा बहुत डेसिमल एरर हम लोग ले सकते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ बढ़ते हैं. इफ द अमाउंट ऑफ एन एनुइटी आफ्टर 25 इयर्स एट 5% पर एनम सीआई. पहला बात तो 25 साल दिया है, मतलब 5 × 5 पावर में 5% मतलब क्या होता है 0.05, और 50,000 बोल दिया है हमको फ्यूचर वैल्यू. मतलब ये ऐसा सम्स है जहाँ पर आंसर दिया हुआ है और एक तो पैरामीटर निकालना है. अगर आप लास्ट क्लास पे फोकस करोगे तो पैरामीटर्स ऑफ एनुइटी में तीन चीज आता है. एक आता है ए, दैट इज अमाउंट ऑफ एनुइटी इंस्टॉलमेंट. ठीक है, फिर आता है एन, नंबर ऑफ इयर्स, फिर आता है आई. तो हम लोग को यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पैरामीटर में एक मिसिंग है, ए मिसिंग है, बाकी सब दिया हुआ है. तो पहले इक्वेशन बनाएंगे. क्या इक्वेशन बनेगा, देखो इस क्वेश्चन का सिक्स का मैं यहाँ बना रहा हूँ. 50,000
is equals to A 1 plus 0.05 to the power 25 minus 1 by 0.05. ठीक है, तो मैं जब कैलकुलेटर में चालू करूंगा 1.05 इनटू 4 बार इक्वल्स टू इनटू 4 बार इक्वल्स टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.05, तो ये मेरा राइट हैंड साइड का वैल्यू आया। इसको हम जब यहाँ शिफ्ट करेंगे तो हमको चाहिएगा इसका रेसिप्रोकल, तो डिवाइड इक्वल्स टू इनटू 50,000 इक्वल्स टू मेरा आंसर आ रहा है 1047.62। ठीक है, ये जो राइट हैंड साइड आया है इसको हम लोग बोलते हैं FVIF, फ्यूचर वैल्यू इन्वेस्टिंग फैक्टर। इसको हम लोग बोलते हैं FVIF, फ्यूचर वैल्यू इन्वेस्टिंग फैक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए भी देखा जाए तो आंसर क्या होगा, ये होगा, बी हो जाएगा। हम लोग एक स्टेप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 टाइप का प्रॉब्लम के लिए। स्टेप क्या होगा, फर्स्ट फाइंड FVIF, फर्स्ट फाइंड FVIF, फ्यूचर वैल्यू इन्वेस्टिंग फैक्टर। फर्स्ट फाइंड FVIF, फ्यूचर वैल्यू इन्वेस्टिंग फैक्टर, देन फाइंड इट्स रेसिप्रोकल एंड एट लास्ट मल्टीप्लाई इट विद द फ्यूचर वैल्यू टू गेट द इंस्टॉलमेंट अमाउंट ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग ने किया नहीं है एनविटी में अभी तक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, मेरे को इंस्टॉलमेंट अमाउंट दिया हुआ है, फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ है, और मेरे को दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट, मेरे को नंबर ऑफ इयर्स नहीं दिया है। ठीक है, तो एक तरीका तो क्या होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड। सर व्हाट इज हिट एंड ट्रायल मेथड, आप एक बार एन को 25 इयर्स मान के सम्स को करो, आपका आंसर मैच करना चाहिए। ठीक है, एक ही पैरामीटर मिसिंग है ना, मेरे पास ए है आई है, सिर्फ एन मिसिंग है, लेकिन मेरे पास चार ऑप्शन है एन का, ए बी सी डी। तो मैं क्या करूंगा, पहले ए पुट करूंगा, फिर बी पुट करूंगा, फिर सी पुट करूंगा, ए बी सी मैच नहीं किया तो मैं क्या करूंगा, डी। एक ये तरीका है, बट ये तरीका जिंदगी में आपको आगे नहीं ले जा सकता है, एक पर्टिकुलर एग्जाम में आप पास हो जाओगे, बट हो सकता है ये सेम चीज आपको फ्यूचर में और भी कभी पूछे और आपको खाली आंसर बोलना पड़े। लाइक से फॉर एग्जाम्पल इन मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन व्हेन यू अपियर फॉर कैट जैट स्नैप जैट, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, बॉक्सेस दिए रहते, ऑप्शंस नहीं दिए रहते, यू हैव टू राइट डाउन द आंसर्स। ठीक है, तो उस सब ये सब सिचुएशन में आपको ये स्टेप बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए एक पहले लिख लीजिए, फर्स्ट मेथड हिट एंड ट्रायल पुट द ऑप्शन एंड गेट द आंसर। हिट एंड ट्रायल का मतलब ये होता है, पुट द ऑप्शन गेट द आंसर। अब तो आप इतना सारा सम्स कर चुके, आपको इतना पता है कि ए पता है, एन पता है, आई पता है, अमाउंट कैसे निकालना ये मैं आपको नहीं सिखा रहा हूं, बट अगर हम ऑल्टरनेटिव मेथड जाते हैं, राइट डाउन द ऑल्टरनेटिव मेथड, दैट इज अ सॉल्विंग मेथड, वो कैसे करेंगे हम, देखिए पहले का जो लिखा हुआ मिटा दे रहा हूं मैं, हाँ ये काम कर नहीं है अभी। तो ये जो ऑल्टरनेटिव मेथड है क्या दिया हुआ है, 3137 करेक्ट,
पॉइंट क्या दिया हुआ है, 1 2 इक्वल्स टू 100, 3 1 3 7 0.12 इक्वल्स टू 100, 1 प्लस 0.045 होल टू द पावर एन माइनस 1 बाई 0.045, करेक्ट। तो आप पहले कैलकुलेटर निकालोगे, 3137.12 इंटू 0.045। सर इंटू क्यों कर रहे हैं 0.045, क्योंकि ये यहां जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ, डिवाइडेड बाय 100, ये यहां आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड प्लस 1, ये यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस इक्वल्स टू, तो मेरा आ रहा है 2.4117 इक्वल्स टू 1.045 टू द पावर एन। अब इसको आप ऐसे बॉक्स बनाओ, इसको ऐसे बॉक्स बना के लिखो, ऐसा ही कुछ सीआई में भी देखे थे, ऐसा ही कुछ सीआई में भी देखे थे, ऐसा ही कुछ सीआई में भी देखे थे। तो मेरा एन का आंसर पता है क्या आएगा, लॉग 2.4117 बाई लॉग 1.045, एन इक्वल्स टू लॉग 2.4117 बाई लॉग 1.045, ठीक है। तो बताइए मेरे को आंसर निकाल के, ऊपर में क्या आएगा 4 डेसिमल प्लेस तक, नीचे क्या आएगा, जीरो पॉइंट 3823, नीचे बताइए, कितना, 0.019, तो 0.3823 डिवाइडेड बाय 0.0191 कितना आ रहा है, 20 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली, इट इज कमिंग डाउन टू 20 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली, इट इज कमिंग डाउन टू 20 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, 20 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली, दिस इज द ऑल्टरनेटिव मेथड। क्लियर, अ कंपनी बोरोज 10,000 ऑन कंडीशन टू रीपे इट विद कंपाउंड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम बाय एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 1,000 ईच। यहां पर भी सेम है, लेकिन सेम नहीं बोल सकते, क्यों, जब ईयर होल नंबर में है तो पावर निकालना इजी है, बट जब ईयर फ्रैक्शन में है तो पावर निकालना उतना इजी नहीं है। तो मान लो हम 10 और 12 चेक कर लेंगे, 10 और 12 में किसी एक का आंसर आया तो वेरी वेल एंड गुड, लेकिन नन ऑफ दीज भी बोल के एक ऑप्शन है, नन ऑफ दीज बोल के भी ऑप्शन है, तो क्या करेंगे, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको भी सिमिलरली उस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या बनेगा इक्वेशन, इट इज 10,000 करेक्ट, इक्वल्स टू 1,000, 1 माइनस 1 प्लस 0.05 टू द पावर माइनस एन बाई 0.05, दिस इज द इक्वेशन
दिस इज द इक्वेशन करेक्ट. तो फर्स्ट 10,000 इनटू 0.05 डिवाइडेड बाय 1,000 इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 0.50 इक्वल्स टू 1 माइनस 1.05 टू द पावर माइनस एन, करेक्ट. और 1.05 टू द पावर माइनस एन इक्वल्स टू 1 माइनस 0.50 और 1 बाई 1.05 टू द पावर एन इक्वल्स टू 0.50 और 1.05 टू द पावर एन इक्वल्स टू 2 और 1.05 टू द पावर एन इक्वल्स टू 2. जैसे ही मेरा ये वाला चीज आ जाता है, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिखता हूँ, एन इक्वल्स टू लॉग 2 बाई लॉग 1.05. नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिखता हूँ, लॉग 2 बाई लॉग 1.05, एन इक्वल्स टू लॉग 2 बाई लॉग 1.05. सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा 14.2 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली. इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 14.2 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली. और एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, इस चीज़ को आप याद कर लो क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज़ है. 1.05 टू द पावर एन इक्वल्स टू 2 ये बहुत बार आएगा, तो जब भी ये आएगा फिर नेक्स्ट टाइम से आपको सॉल्व करने का दरकार नहीं है, आंसर आपको याद हो जाएगा 14.2 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली. दिस इज़ वेरी कॉमन, 1.05 टू द पावर एन इक्वल्स टू 2 ये बहुत बार सम्स इधर में आकर अटकता है. तो इन स्पाइट ऑफ सॉल्विंग वी कैन क्विकली टेल द आंसर. ठीक है, बोलिए, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9. मिस्टर एक्स बोरोड रुपीज 5120 एट 12.5% पर एनम्स कंपाउंड इंटरेस्ट. एट द एंड ऑफ 3 इयर्स द मनी वाज रीपेड अलोंग विद द इंटरेस्ट अक्रूड. द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय हिम. सम्स को पढ़ के साफ साफ समझ में आ रहा है, यहाँ पर एनविटी का बात बोला ही नहीं है कहीं. कहीं बोला है इंस्टॉलमेंट, कुछ बोला है? इसका मतलब ये कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से सॉल्व होगा. प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है, और क्या दिया है, टाइम. तो 5120 ब्रैकेट में 1 प्लस 0.125 टू द पावर 3 माइनस 1, तो 1.125 इंटू द बार इक्वल्स टू माइनस 1 इंटू 5120. 2170 इज द आंसर. 2170 इज द आंसर. 2170 इज द आंसर. सेम है पूरा, खाली डेटा चेंज कर दिया है. सेम है पूरा, बस खाली डेटा चेंज कर दिया है. इलेवन नंबर क्वेश्चन वाला भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर आप गलती करेंगे. इंपॉर्टेंट मतलब क्या, आप यहां पर मिस्टेक कर सकते हो. अ पर्सन इन्वेस्ट रुपीज 500 एट द एंड ऑफ ईच ईयर. जब ये लाइन बोल दी आपको एट द एंड ऑफ ईच ईयर, इसका मतलब क्या है, एनविटी रेगुलर. इसका मतलब क्या है, एनविटी रेगुलर. कितना परसेंट इंटरेस्ट दे रहा है, 10% पर एनम. द अमाउंट स्टैंडिंग टू
his credit 1 year after he has made his yearly investment for the 12th time. एंड डायरेक्टली नहीं दे करके इनडायरेक्टली दिया है 12 साल. लेकिन हमसे क्या पूछा है, 12th इन्वेस्टमेंट के बाद वाला 1 साल. इसका मतलब पहले स्टेप 1, फाइंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुइटी रेगुलर टेकिंग ए इक्वल्स टू ₹500, एन इक्वल्स टू 12, I equals to 0.10, this is my step 1 and step 2, then add 1 year's interest on the value, then add 1 year's interest on the value derived from step 1, then add 1 year's interest on the value derived from step 1. Clear? तो फ्यूचर वैल्यू पहले निकाल लो, 500 ब्रैकेट में 1 प्लस 0.10 टू द पावर क्या होगा 12 माइनस 1 बाय 0.10, तो 1.1 इंटू 1, 2, 3 इंटू 1, 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 500, तुम्हारा 10,692 समथिंग आ रहा है, उसमें प्लस 10%, तो 11,761.35 अप्रोक्सीमेटली आंसर होगा. यहाँ आपका इस पार्ट का आंसर आ रहा है 10,692.14, फिर प्लस कर देंगे 10%, फिर प्लस कर देंगे 10%, तो मेरा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 करो. द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुइटी ऑफ 5,000 पर एनम फॉर 12 इयर्स एट 4% पर एनम, तो 1.04 कैलकुलेटर में डिवाइड 12 बार इक्वल्स टू जीटी ट्वाइस इनटू 5,000 इक्वल्स टू, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस. इतना अप्रोक्सीमेशन एरर नहीं होता है. राइट आंसर लिख लो 46925.37. और 13 वाला जो सम है, समझ में ही आ रहा है, फॉर्मूला दिया हुआ है, एनुइटी परपेचुइटी का है, तो 300 बाई 10%, 3000 विल बी द आंसर. 300 बाय 10%, 3000 विल बी द आंसर. 300 बाय 10%, 3000 विल बी द आंसर. क्लियर है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेफर्ड परपेचुइटी क्या होता है? आप इंस्टॉलमेंट स्टार्ट करेंगे लेकिन 6 साल के बाद, उस सिचुएशन में क्या होगा फॉर्मूला?
v equals to a by I 1 plus I to the power m. V equals to a by I 1 plus I to the power m, where m equals to number of years of deferment. V equals to a by I bracket mein 1 plus I to the power m, where m equals to number of years of deferment. Where m is equals to number of years of deferment. Where m is equals to number of years of deferment. ठीक है, आइए कुछ एडिशनल हम लोग सम्स करेंगे. इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अज्यूम कंपाउंड इंटरेस्ट. इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अज्यूम कंपाउंड इंटरेस्ट. तो 1.05 इंटू 5 बार इक्वल्स टू माइनस 1 इंटू 5200. कितना आंसर आ रहा है? 1768.50. 1768.50. सही किया कि गलत? गलत. अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल थोड़ी दिया है, अमाउंट दिया है. तो क्या करेगा, क्या करना है? प्रिंसिपल निकालना है हम लोग को. तो पहले इक्वेशन लिखो, 5200 इक्वल्स टू पी 1 प्लस 0.05 टू द पावर 6. तो 1.05 इंटू 5 बार इक्वल्स टू डिवाइड इक्वल्स टू इंटू 5200 3880. क्वेश्चन नंबर 2 में वही करना जो क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे. 1.05 इंटू 3 बार इक्वल्स टू माइनस 1 इंटू 1000 इक्वल्स टू, नहीं वो तो एडमिट ही था, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो. द टाइम इन विच अ सम ऑफ मनी विल बी डबल एट 5% पर एनम. तो एन इक्वल्स टू लॉग 2 बाय लॉग 1.05. एन इक्वल्स टू लॉग 2 बाय लॉग 1.05. थोड़ा देर पहले हम लोग किए हैं 14.2 इयर्स. एन इज इक्वल्स टू लॉग 2 बाय लॉग 1.05. थोड़ा देर पहले ही किए हम लोग 14.2 इयर्स. फोर्थ क्वेश्चन इज सिमिलर टू फर्स्ट क्वेश्चन, बट फर्स्ट और फोर्थ में डिफरेंस क्या है? नहीं, फर्स्ट में क्वेश्चन वॉज साइलेंट कि कंपाउंड इंटरेस्ट है कि सिंपल इंटरेस्ट, एंड फोर्थ वाले में एक्सप्रेसली इट हैज बीन प्रोवाइडेड कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सम है. तो हम लोग क्या करेंगे, 1.04 18 है, 18 को 6 इंटू 3 में ब्रेक कर सकते हैं, इंटू 5 बार इक्वल्स टू इंटू 2 बार इक्वल्स टू डिवाइड इक्वल्स टू इंटू 10,000 इक्वल्स टू 4936.28. 4936.28. एटीन को 6 इंटू 3 में, तो पावर में 6 मतलब इंटू 5 बार इक्वल्स टू 3 मतलब इंटू 2 बार इक्वल्स टू. ठीक है,
थर्ड और फिफ्थ को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, एन इज इक्वल्स टू ट्रिबल बोला है तो लॉग 3 बाय लॉग 1.08, एन इज इक्वल्स टू लॉग 3 बाय लॉग 1.08, एन इज इक्वल्स टू लॉग 3 बाय लॉग 1.08, ट्रिबल मतलब 3 टाइम्स होता है। इसको और एक शॉर्टकट है 114/r, बट ये शॉर्टकट यूज करेगा तो अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा, एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, और ये लॉग वाला मेथड से करने से एग्जैक्ट आंसर आएगा। आंसर अगर हम लोग ये वाला मेथड से करें तो 14.25 आ रहा है, अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा है, एग्जैक्ट आंसर इज 14.28 ईयर्स। लॉग निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 12 बार स्क्वायर रूट माइनस 1 इंटू 1779 इक्वल्स टू, टाइम वैल्यू ऑफ मनी करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेटर वाला क्लास। एंड मैथ्स करने से पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देयर आर सर्टेन बेसिक चैप्टर्स लाइक रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस, लॉगरिथम, ये सब बेसिक चैप्टर्स है। आप कभी भी मैथ्स में हाथ दे रहे हो मतलब आपको ये सब टॉपिक्स तो करना ही है एकदम। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एनुइटी ऑफ रुपीज 80 अ ईयर फॉर 20 ईयर्स एट 5% पर एनम, तो क्या करेंगे, 1.05 डिवाइड हाउ मेनी टाइम्स, 20 टाइम्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, GT twice into 80 equals to कितना आ रहा है, तो 997 अप्रोक्स, 997 अप्रोक्स, 997 अप्रोक्स, 997 अप्रोक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में जाएं, अ पर्सन बॉट अ हाउस पेइंग रुपीज 20,000 कैश डाउन एंड 4,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 25 ईयर्स एट 5% पर एनम सी आई, कैश डाउन प्राइस, तो कैश डाउन प्राइस का पहले फॉर्मूला लिख लो। कैश डाउन प्राइस का फॉर्मूला होता है डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट्स, डाउन पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट्स, डाउन पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। तो मेरा डाउन पेमेंट कितना हो गया 20,000 और प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, 4,000 इंटू 1 माइनस 1.05 टू द पावर माइनस 25 बाई 0.05, करेक्ट, यही होगा, यही होगा मेरा वैल्यू। वन पॉइंट जीरो फाइव डिवाइड एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, कितना आ रहा आंसर, 20,000 प्लस कितना आ रहा है, प्लस के बाद कितना आ रहा है, 56,375.77, तो फाइनल आंसर क्या होगा, 76,375.77, 76,375.77। तो ये हो सकता है क्योंकि एग्जाम में ये सब जो कैलकुलेट कर रहे हैं ना हम लोग वो सब दिया रहेगा, लाइक क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 में जैसे दिया हुआ है वैसे हम लोग को वैल्यूज गिवन रहेगा एग्जाम में, तो वो आंसर अप्रोक्सीमेशन नहीं आएगा एग्जाम के वक्त, वो एग्जैक्ट आएगा, वो एग्जैक्ट आएगा, वो एग्जैक्ट आएगा, ठीक है। बट हम लोग के पास कैलकुलेशन टेक्निक है, हम लोग अपना कैलकुलेशन टेक्निक फॉलो करेंगे, हम लोग को गिवन से मतलब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए प्लीज। A man purchased a house valued at rupees 3 lakh. He paid rupees 2 lakh at the time of purchase and agreed to pay the balance with interest at 12% per annum, compounded half yearly. ये annuity में ऐसा पहला सम आया जहाँ पे compounded half yearly बोल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? और देखो, generally हम लोग का habit क्या है? हम लोग rate of interest को half कर देते हैं और number of years को double कर देते हैं। बट यहां पे ऑलरेडी हम लोग को बोल दिया है क्या 20, क्या बोल दिया हम लोग को 20 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट बोल दिया है, मतलब यहां पर n इक्वल्स टू 20 हो जाएगा, i इक्वल्स टू 0.06 हो जाएगा, ठीक है। और मेरा जो लोन का अमाउंट है वो हो गया 1 लाख, है आपको तो आता ही नहीं है, 3 लाख का घर खरीदा है। बेटा 3 लाख का घर खरीदा है तो 2 लाख रुपया डाउन पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ? 3 लाख का घर खरीदा है तो 2 लाख का डाउन पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो हम लोग इक्वेशन क्या बनाएंगे, 1 लाख इक्वल्स टू ए 1 माइनस 1 प्लस 0.06 टू द पावर 20 बाई 0.06। तो 1.06 डिवाइड 1.06 डिवाइड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 जीटी डिवाइड इक्वल्स टू इनटू 1 लाख इक्वल्स टू 8718.46 आ रहा है मेरा। तो नियर अबाउट आंसर क्या है, 8719.66, 1-2 रुपया का जो अप्रोक्सीमेशन आ ही सकता है। -20 होगा यहां पर, ठीक है। The difference between compound and simple interest at 5% per annum for 4 years on 20,000. तो पहले हम लोग को क्या करना है इस क्वेश्चन में? सर 2 साल का डिफरेंस बोलता तो शॉर्टकट था, 3 साल का डिफरेंस के लिए शॉर्टकट है, बट 4 साल के डिफरेंस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। तो इसका बोलने का मतलब क्या है, CI माइनस SI, इसका बोलने का मतलब ये है CI माइनस SI। तो CI क्या होता है, वॉट इज CI? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस i टू द पावर n माइनस 1। और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू i इंटू n। तो ये मेरा आ रहा है 4310.125 माइनस 4000, तो 310 रुपया 125 पैसा, 310 रुपया 125 पैसा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में एक नया टेक्निक सीखेंगे, पुराना वाला आपको आता है, आपको बार बार बोलने का दरकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए एक नया टेक्निक सीखेंगे हम लोग। क्यों सर आप टेक्निक क्यों सिखा रहे हैं?
मैंने क्या कहा था कि अब हम लोग इस चैप्टर में अव्वल दर्जे का एक्सपर्टिज हम हासिल कर लिए हैं, बट क्या होता है कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है ना, उसमें अपना खाली कॉमन सेंस अप्लाई करो, आराम से आंसर आएगा। आपको पता होना चाहिए आपके पास जो यंत्र है, ठीक है, आपके पास जो ये यंत्र है, इस यंत्र का नाम क्या था? कैलकुलेटर। ठीक है, वो एक डायलॉग मेरे को याद नहीं आ रहा है, किसी को याद है क्या कि प्यार इश्क और मोहब्बत पहले सिर्फ लफ्ज थे मेरे लिए, पर जब से तुम मिली उन शब्दों के मायने मिल गए मुझे, ऐसा कुछ एक डायलॉग है। कौन सा पिक्चर का मेरे को ध्यान नहीं है, ये डायलॉग ऐसा ही है, प्यार इश्क और मोहब्बत तुम तीन लड़कियों का नाम नहीं है, शब्द है, तो ध्यान दो। ठीक है, प्यार इश्क और मोहब्बत सिर्फ क्या थे? शब्द थे, किसके लिए? मेरे लिए। ठीक है, पर जब से तुम मिली इनके मायने मिल गए मुझे, तो पहले ये सिर्फ यंत्र था, एक कैलकुलेटर, पर जब से आपको हम मिल गए हैं, ये कैलकुलेटर एक जादुई यंत्र में तब्दील हो गया है, ऐसे मारा चुटकीले आंसर। ठीक है, समय की कीमत ना आपने समझी ना हमने समझा, समय की कीमत ना आपने समझी ना हमने समझा, समय की कीमत तो सिर्फ मेरे कैलकुलेटर सीक्रेट्स के ट्रिक से समझा। ठीक है, तो बात ऐसा है कि देखो क्वेश्चन पढ़ते हो गया, तो the compound interest on half yearly rest on 10,000, the rate for the first and second years being 6% and for third year being 9%. तो पहला दो साल क्या था? 3%, और आखिरकार में कितना मिला? 9%. ठीक है, तो ये जो 3%, ये जो 6% और 9% रेट है, ये पूरे साल का है। तो मैं आपको ऐसे बोल सकता हूँ, 3, 3, 3, 3, 4.5, 4.5 फॉर कॉन्वेंट स्कूल किड्स, और फॉर हाईफाई इंग्लिश स्कूल किड्स इट इज 3% फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर, 3% फॉर द सेकेंड हाफ ईयर, 3% फॉर द थर्ड हाफ ईयर, 3% फॉर द फोर्थ हाफ ईयर, एंड देन फ्रॉम द फिफ्थ हाफ ईयर एंड सिक्स्थ हाफ ईयर इट इज 4.5%. क्लियर? बिकॉज वी हैव गॉट 3 years, सो 6 installments, करेक्ट? सो टेक आउट योर कैलकुलेटर्स एंड राइट डाउन इन योर कॉपी वन स्टेटमेंट, P plus R percent is equals to amount. Whenever we add R percent to a value, it becomes amount. So, mera principle kitna hai? 10,000 plus 3%. 10,300 is the amount for the first half year, which becomes principal for the second half year. Plus 3%, plus 4.5%, we got the amount at the end of 3 years, minus principal, you get 2290.84. Answer likh lijiye yahan par, 2290.84. Clear? Yahan tak? नेक्स्ट, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज 10,000 ड्यू इन 2 years. बेटा जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट वैल्यू बोला है मतलब एनविटी होगा, जरूरी नहीं है फ्यूचर वैल्यू बोला है मतलब एनविटी होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 ड्यू इन 2 years, इसका मतलब जो 10,000 मेरे को 2 साल के बाद मिलने का है उसका आज का भाव बता, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट 5% चल रहा है तो। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, P plus R percent equals to what? Amount. A divided by 100 plus R percent is equals to principal. तो 10,000 डिवाइडेड बाई 105% डिवाइडेड बाई 105% मेरा आ गया आंसर, 10,000 डिवाइडेड बाई 104% डिवाइडेड बाई 105%,
तो ये दो नया टेक्निक आपको सीखने मिला है. क्या क्या P प्लस R परसेंट करोगे तो क्या आएगा? अमाउंट. और A डिवाइडेड बाय 100 प्लस R परसेंट करोगे तो क्या आएगा? प्रिंसिपल. ठीक है, नेक्स्ट. अब ये हाफ ईयरली बेसिस बोला है. क्या बोला है? हाफ ईयरली बेसिस. एंड 5% क्या है? पूरे साल का है. 5% क्या है? पूरे साल का है. तो हम लोग क्या करेंगे? 1.025 पावर में क्या है? -4. पावर में क्या है? -4. दो साल का चार हाफ ईयर डिवाइड चार बार इक्वल्स टू इनटू 10,000 इक्वल्स टू इट इज 9059.50. आंसर लिख लीजिए 9059.51. तो देखिए, मैंने दो सम्स को, सिमिलर सम्स को दो अलग अलग तरीके से सिखाया. आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे करेंगे. ठीक है, मैंने आपको हर टेक्निक बता दिया है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल आपको करने में अच्छा लगेगा. जॉनसन लेफ्ट रुपीज 1 लाख विद द डायरेक्शन. जॉनसन एक आदमी है. ठीक है, जॉनसन एंड जॉनसन साबुन का बात नहीं करें जो हम बचपन में इस्तेमाल किया करते थे. अभी भी मेरे को बहुत मन करता है कि हम जॉनसन एंड जॉनसन यूज़ करें, लेकिन क्या है, उसमें पैसा वेस्ट है. हमारी त्वचा इतनी खरी हो गई है कि वो मुलायमता वापस नहीं आ सकती. जॉनसन लेफ्ट रुपीज 1 लाख विद द डायरेक्शन दैट इट शुड बी डिवाइडेड इन सच अ वे दैट हिज माइनर सन्स टॉम डिक एंड हैरी, पिक्चर का नाम था, एजेड 9, 12 एंड 15 ईयर्स शुड ईच रिसीव इक्वली आफ्टर अटेनिंग द एज 25 ईयर्स. बोलता है शुड ईच रिसीव इक्वली, मतलब क्या बोलना चाह रहा है ये लोग? हम 1 लाख रुपया दे के गए, छोड़ के गए, इस कदर छोड़ के गए कि हमारे जो तीन सुपुत्र है, टॉम डिक और हैरी, जिनकी अलग अलग उम्र है, ऑब्वियस सा बात है. ठीक है, हमारे जो तीन सुपुत्र है जिनके अलग अलग उम्र है, लेकिन जब वो 25 साल की उम्र में आ जाए तीनों को बराबर हिस्सा मिले. तीनों को क्या मिले? बराबर हिस्सा मिले. इसका मतलब यहां पर एन और आई, एन फ्लक्चुएट करेगा, आई कांस्टेंट है और अमाउंट कांस्टेंट है. वेरिएबल क्या है? प्रिंसिपल. वेरिएबल क्या है? प्रिंसिपल. तो प्रिंसिपल को एक्स लेना, वाई लेना बेवकूफी है. हम लोग क्या करेंगे? रिवर्स खेलेंगे. रिवर्स कैसे खेलेंगे? अमाउंट कितना मिला तीनों को? एक्स. तीनों का अमाउंट क्या मिला? एक्स मिला. ठीक है, और हमको पता है एक्स बाई डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या होता है? प्रिंसिपल. एक्स बाई डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या होता है? प्रिंसिपल. तो अगर मैं चार्ट बनाऊंगा एक ठो टॉम डिक और हैरी का, और ये एन का कॉलम बनाऊंगा और ये आई का कॉलम बनाऊंगा. ठीक है, तो टॉम कितना साल का है? 9 साल. तो उसको 16 साल का मिलेगा, इसको 13 साल का मिलेगा और इसको 10 साल का मिलेगा. करेक्ट? करेक्ट. तो अब तीनों का अमाउंट क्या है? तीनों का अमाउंट क्या है? एक्स. तीनों का अमाउंट क्या है? एक्स. तीनों का अमाउंट क्या है? एक्स. तो क्या हम ये लिख सकते हैं? एक्स बाई 1 प्लस 0.035 टू द पावर 16 प्लस एक्स बाई 1 प्लस 0.035 टू द पावर 13 प्लस एक्स बाई 1 प्लस 0.035 टू द पावर इक्वल्स टू 1 लाख. Equals to 1 lakh. वही सेम बात, समय की नजाकत ना हमने समझा ना तुमने समझा, वही वाला बात है. इसको अगर सॉल्व करने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा. ठीक है, बट मेरे पास टेक्निक है इसको भी सॉल्व करने का. कैसे? सिंपल सा बात सोचो,
हम जब इक्वल्स टू प्रेस कर रहे हैं तब क्या आ रहा है? पहली बार इक्वल्स टू प्रेस कर रहे हैं तो पावर में माइनस वन आ रहा है, दूसरी बार कर रहे हैं तो माइनस टू आ रहा है। बट ये एक ऐसा सम्स है जहां पर हमको बीच बीच का वैल्यू उसको ऐड करना है, जहां पर हमको क्या करना है, बीच बीच का वैल्यू उसको ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही मैंने 10वीं बार इक्वल्स टू प्रेस किया मैं एम प्लस टीपूंगा, फिर वापस से 3 बार इक्वल्स टू प्रेस किया फिर एम प्लस टीपा, फिर 3 बार इक्वल्स टू प्रेस किया एम प्लस टीपा, एम आर सी मारूंगा तो क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। एम आर सी मारूंगा तो क्या आ जाएगा, टोटल। फिर उसको इधर लेके आ जाऊंगा तो सबका अमाउंट आ गया। अब अमाउंट आ गया तो इजीली वी कैन फाइंड आउट द प्रिंसिपल, ठीक है? तो 1.035 डिवाइड, पहले 10 बार इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एक जगह लिख भी लेना, 0.7089 एम प्लस लिख लेना पहले कॉपी में, फिर एम प्लस, फिर 3 बार इक्वल्स टू 0.6394 एम प्लस, फिर 3 बार इक्वल्स टू 0.5767 क्या होगा एम प्लस, 2 बार एम आर सी प्रेस करो 1.9250 जो आ रहा है, ठीक है? डिवाइड इक्वल्स टू इंटू 1 लाख इक्वल्स टू, तो अमाउंट कितना मिल रहा है, 51947.27 ये अमाउंट मिल रहा है तीनों को इक्वली आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 25 ईयर्स। हमसे क्या पूछा है, हाउ मच ईच सन रिसीव, वही तो पूछा था। तो हम आंसर क्या कर देंगे, बी। अब एग्जाम में इतना डेसिमल एरर नहीं रहेगा, बोला ना, निकाल के दे देगा तुमको। अप्रोक्सीमेट आंसर तो यही आ रहा है। एक चीज समझो, ऑप्शन क्लोज क्लोज नहीं है, ऑप्शन बहुत क्लोज क्लोज होता तो फिर दिक्कत होता, बट हम लोग उसको नन ऑफ दिस कर सकते हैं यहां पर, क्योंकि यहां पर 52,000 भी दिया तो 52,000 भी हो सकता, इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस, इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस, 51947.27। अब आप लिखोगे टॉम का प्रिंसिपल, डिक का प्रिंसिपल, हैरी का प्रिंसिपल। टॉम का प्रिंसिपल क्या होगा, जो भी अमाउंट आया है इंटू 0.7089 कितना आ रहा है, 36825.42, ठीक है? फिर वो जो पॉइंट लिखवाए थे ना 3 ठो, इंटू 0.6394, 33215.08। लास्ट वाला का निकालना मत, माइनस करना 1 लाख से, 1 लाख माइनस 33215.08 माइनस 36825.42, तो क्या आ रहा है, 2995.50। जब भी तीन चीज का वैल्यू निकालना हो, 2 का निकाल के थर्ड वाले को टोटल से माइनस करते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये आज इन स्पाइट ऑफ आस्किंग दिस हाउ मच ईच सन रिसीव, ये भी पूछ सकता था हम लोग से, भैया अमाउंट इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू होगा ना, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर तो आपको लिखवा दिए थे हम, डिस्काउंटिंग फैक्टर तो आपको हम लिखवा दिए थे। क्लियर? इसका आंसर होगा 14 इयर्स 3 मंथ्स, सम ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, 14.2 इयर्स का मतलब होता है 14 इयर्स 3 मंथ्स। सर कैसे पता आपको, 14.2 को मल्टीप्लाई करो 12 से, कितना महीना आ रहा है, 170 महीना, मतलब 2 महीना कुछ दिन आ रहा है, तो राउंड ऑफ करके क्या आएगा, 14 साल 3 महीना। क्योंकि एक चीज समझो,
14.2 years is the exact timing. 14 साल दो महीने कुछ दिन. 14 साल दो महीने में मेरा अमाउंट डबल नहीं होगा, उससे कम रह जाएगा. लेकिन 14 साल तीन महीना में डेफिनेटली वो क्या हो जाएगा, डबल. इसलिए हम लोग 14.2 ईयर्स, 14 ईयर्स 2 मंथ्स चूज नहीं करके क्या चूज करेंगे, 14 ईयर्स 3 मंथ्स. ठीक है सर, यहां पर इसका आंसर कैसे निकलेगा? यहां पर क्या बोला है, हाफ ईयरली बेसिस बोला है. तो सुनो ध्यान से, ऊपर तो लॉग 3 रहेगा, नीचे हो जाएगा लॉग 1.025 इक्वल्स टू 2n. लॉग 3 बाई लॉग 1.025 इक्वल्स टू 2n. लॉग 3 बाई लॉग 1.025 इक्वल्स टू 2n. क्योंकि ट्रिपल बोला है, 5% भी बोला है, लेकिन लास्ट में क्या बोल दिया, हाफ ईयरली. इसीलिए एट और नाइन दोनों में क्या पूछा है हम लोग से, ईयर्स पूछा है. क्या पूछा है हम लोग से, ईयर्स पूछा है ना. तो फॉर्मूला देखो, यहां पर चारों ऑप्शन क्या है, होल नंबर्स है. एट नंबर में चारों ऑप्शन क्या है, होल नंबर्स है. तो हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर सकते हैं. सर कैसे करेंगे, कैलकुलेटर निकालो. तेईस हजार दो सौ चालीस. अब -10%, क्योंकि डेप्रिसिएशन है ना, प्लस की जगह क्या यूज कर रहे हैं, -10%. फिर -10%, फिर -10%, कितना बार कर रहा है याद रखना. अभी तक करते रहो, जब 9000 आएगा रुक जाना. कितना बार में आ रहा है, 9 बार में आ रहा है ना. 9 years. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, वरना अगर वैसे नहीं करना है तो हम लोग का क्या मेथड है, एन इज इक्वल्स टू लॉग एस बाई सी बाई लॉग 1 माइनस आई. सॉरी, एन इज इक्वल्स टू लॉग एस बाई सी बाई लॉग 1 माइनस आई. एन इज इक्वल्स टू लॉग एस बाई सी by log 1 minus i. सॉल्व करना है आपको. s यहां पर कितना है, 200,000, और c आपका है 490,740. तो 200,000 डिवाइडेड बाई 490,740, 0.4075 आएगा ऊपर में. n इज इक्वल टू log 0.4075 बाई log 0.85 बाई लॉग 0.85. 9 नंबर सिखा रहा हूं मैं ये. टू लाख स्क्रैप है डिवाइडेड बाई 490,740. लॉग 0.4075 डिवाइडेड बाई लॉग 0.85. कितना आ रहा है फाइनल आंसर, कितना आ रहा है, 4 ऊपर में न्यूमरेटर तुम लोग का
minus 0.3898 by minus 0.56. गलत कर रहा है कुछ, हाँ कितना आएगा? हाँ तो मतलब 5 years ये आंसर होगा, ऊपर आ रहा है माइनस 0.3898 और नीचे आ रहा है माइनस 0.0706, तो आंसर आएगा 5 years 7 months अप्रोक्सीमेटली। आंसर आएगा 5 years 7 months अप्रोक्सीमेटली, आंसर आएगा 5 years 7 months अप्रोक्सीमेटली, आंसर आएगा 5 years 7 months अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। यहां पर आपको यही समझ में नहीं आएगा कि यहां पर क्या करना क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर वैल्यू 90% से घट जाएगा तो स्क्रैप कितना है? 10%। ये जो स्क्रैप बाई कॉस्ट है ना, ये इस सब में बोल दिया 10%, मतलब 0.1, न्यूमरेटर विल बी लॉग 0.1, वुड रिड्यूस बाई 90%। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा? एन इज इक्वल्स टू लॉग 0.10 बाई लॉग 0.85। एन इज इक्वल्स टू लॉग 0.10 डिवाइडेड बाय लॉग 0.85, ऊपर आएगा माइनस 1, ऊपर आएगा माइनस 1 और नीचे आएगा लॉग 0.85। ठीक है, क्लियर है? अलीबाबा बोरो 6 lakh हाउसिंग लोन एट 6% रिपेबल इन 20 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स कमेंसिंग एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, मतलब एनविटी रेगुलर। तो 1.06 डिवाइड 20 टाइम्स इक्वल्स टू, दो बार जीटी कितना आ रहा है? 11.4699 आ रहा है, करेक्ट। तो 6 lakh डिवाइडेड बाई 11.4699 वही आंसर होगा, 6 lakh डिवाइडेड बाई 4699 वही आंसर होगा। हाँ, अ सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड फॉर रिडीमिंग डिबेंचर्स वर्थ ₹5 lakh, मतलब फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ है 5 lakh, लिख लो फ्यूचर वैल्यू 5 lakh, एंड 25 years और आई 0.04, फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ है 5 lakh, एंड 25 years और आई दिया हुआ है 0.04, तो 5 lakh इक्वल्स टू ए 1 + 0.04 टू द पावर 25 - 1 / 0.04। सॉल्व करके आंसर बताओ। ₹15,007 आ रहा है मेरा, तो गलती की हम इसका था कुछ। हाँ ₹12,006 आएगा आंसर, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अ मशीन कॉस्ट 5,20,000 विद एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 25 साल, आज एक मशीन का दाम है 5,20,000, उसका लाइफ कितना है? 25 साल। अ सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड टू रिप्लेस इट विद अ न्यू मॉडल एट 25% हायर कॉस्ट,
25 साल के बाद एक नया मॉडल लेंगे, बट वो आज के से 25% ज्यादा में मिलेगा विद अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ 25,000। पुराना को बेच के नया लेंगे, पुराना को बेच के नया लेंगे तो नेट तुमको 25 साल बाद चाहिए कितना? 5,20,000 प्लस 25% माइनस 25,000। तुम्हारा फ्यूचर वैल्यू कितना चाहिए तुमको? 6,25,000। क्यों क्यों सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? ऐसा इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर वैल्यू कितना होगा यहाँ पर? 5,20,000 का अभी का मशीनरी है, वो किसमें में हायर में मिले? 25% हायर में मिलेगा और पुराना वाला को बेच देंगे 25,000 में। तो मेरे को चाहिए कितना? 6,25,000। मेरे को चाहिए कितना? 6,25,000। तो 6,25,000 इज इक्वल्स टू ए 1 + 0.035 टू द पावर 25 माइनस 1 / 0.035। कितना आ रहा है? 16,046.27। राजा एजेड 40 विशेज इज वाइफ रानी टू हैव 40 lakhs एट हिज डेथ। अभी वो 40 साल का उम्र का है, उसका ये इच्छा है कि मेरे मरने पर मेरी बीवी के पास में 30 लाख रुपया 40 लाख रुपया रहे। तो वो अब सोचता है कि हम 30 साल और जिएंगे, तो कमेंसिंग नाउ 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 ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 समूह में। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 sums में कि क्या बोला है? कमेंसिंग नाउ 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 एंड कमेंसिंग नाउ 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 का मतलब क्या होता है? एनविटी ड्यू। तो इक्वेशन क्या बनेगा? इक्वेशन क्या बनेगा? इक्वेशन क्या बनेगा? 40 lakhs इज इक्वल्स टू ए 1 + 0.03 टू द पावर 30 - 1 / 0.03 इंटू 1 + 0.03। कितना आ रहा है? 81628.19। हम लोग एकदम सही किए हैं। ये लोग शायद आंसर निकालते वक्त भूल गया है कमेंसिंग नाउ। अगर तुम इनटू 1.03 करेगा तुम्हारा आंसर मैच करेगा। तो आंसर पे फोकस मत करना। ये लोग जो आंसर दिया वो एनविटी रेगुलर के हिसाब से दिया है, ठीक है? चलो लास्ट सम फॉर द आफ्टरनून। अप्पू अप्पू कौन? अपना पप्पू, ठीक है? जय श्री राम। अप्पू इसको तो पप्पू करो। तो पप्पू रिटायर्स एट 60 years, बहुत टाइम अभी, रिसीविंग अ पेंशन ऑफ 14,400 a year पेड इन हाफ ईयर इंस्टॉलमेंट्स पूरे बछर। আমরা বাঙালি, আমি বাঙালি থাকি একটু বাঙালি বলবো, পুরো এক বছরে তুমি পাবে 14,400 টাকা। সেটা একবারে পাবে না, দুভাগে পাবে, দুভাগে। ওকে, মানে পুরে সাল মে
मरने पुने साल में 14,400 रुपया मिली दो भाग में, ठीक है? मतलब एक बार में कितना मिला? 7,200 रुपया। तो यहां पर बच्चा जनरली मिस्टेक क्या करता है, वो ए को 14,400 रुपया समझ लेता है। नहीं, तो यहां पर ए कितना होगा हम लोग का? 7,200। आई कितना होगा? 0.02। और एन कितना होगा? 26। व्हाट सिंगल सम? एक दाम बोलो थे, मैंने एक दाम बोलो मतलब प्रेजेंट वैल्यू। हमको हर महीना महीना, हर साल साल, हर 6 महीना में नहीं चाहिए, आज देखे नक्की करो। तो 1.02 डिवाइड कितना बार इक्वल्स टू 26। एक साथ काउंटिंग करेंगे, लास्ट सम है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। जीटी दो बार डिवाइड इक्वल्स टू, नहीं डिवाइड इक्वल्स टू नहीं करना था, सॉरी, तो इनटू इक्वल्स टू कर दो, इनटू इक्वल्स टू कर दो। अब गलती हो गया, वापस से 20.12 आ रहा था, सॉरी। तो 7,200 इंटू 20.12, हाँ वही आएगा आंसर। अरे वो डेसिमल एरर आ रहा है, यही होगा। ठीक है, इसका स्टेप मैं लिखा दे रहा हूं। 1 + 0.02 डिवाइड इक्वल्स टू कितना बार? जीटी ट्वाइस इंटू 7,200। ठीक है, सीए वेग पटवारी का आप सबको सादर प्रणाम।